बोल समा दिनवारे साहिब की जय। हमारी किस्मत में जो न हो वो भी सतगुरु लिख देते हैं, उस पे एक मिसाल। एक लेडी को 3 बेटियां थी, वो समाधा आश्रम गई और साई बाबा को अर्ज करने लगी, बाबा पुत्र संतान की बख्शीश करे। साई बाबा ने फरमाया, रहमत होगी। फिर उसने समाधा आश्रम में किसी बंदे को देखा जो हाथ देखकर मुकद्दर बता रहा था। इस लेडी ने उनको हाथ दिखाया और पूछने लगी कि मेरे पास 3 बेटियां हैं, पर क्या अभी मुझे बेटा होगा? वो बंदा कहने लगा, आपके किस्मत में बेटा नहीं लिखा हुआ, आपको अभी भी बेटी ही होगी। वो लेडी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि जिनको उन्होंने हाथ दिखाया था उनका कभी गलत नहीं हुआ, वो जो कहते थे वो सच होता था। ये फिर बाबा के पास गई, बाबा को सब बताया कि मैंने हाथ दिखाया है और वो कह रहे हैं आपको अभी भी बेटी ही होगी। बाबा कहने लगे, छोड़ दो उसकी बातों को, उसने मना किया है ना, हमने तो आपको मना नहीं किया ना। फिर बाबा ने उनको फल दिया और उनके हस्बैंड को कहने लगे, आपको पुत्र होगा और वो भी भाग वाला होगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी, आप टेंशन न लें। सतगुरु की रहमत ऐसी हुई कि उनको पुत्र संतान ही हुआ। हमारी किस्मत में कुछ भी लिखा हो, पर हमारे सतगुरु इतने कामिल हैं कि जो नहीं लिखा है वो लिख देते हैं और जो लिखा हुआ है उसे मिटा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें कभी भी अपनी किस्मत पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि हमें ऐसे सतगुरु मिले। जय समाधा।